राजस्थान काबीना ने 500 मेगावाट सोलर पार्क मांझन के लिए, उसके लिए 250 एकड़ ज़मीन जो है अराजी उसकी मंजूरी दी है। दूसरे नंबर पर सिंध काबीना ने ज़िले वस्ती सेंट्रल में 612 एकड़ की एराजी जो है वो एक सोलर पार्क के लिए मंजूर की है। 120 मेगावाट का सोलर पार्क जो है वो ज़िला सेंट्रल में लगाया जाएगा। सिंध काबीना ने मलीर में 600 एकड़ पर 150 मेगावाट सोलर पार्क करने की भी मंजूरी दी है। और इसी तरीके से हम लोग अब एक नया इदारा कायम करने जा रहे हैं, सेप्रा, सिंध इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेप्रा की जो है उसकी भी, उसे कायम करने की मंजूरी सिंध काबीना ने आज दी है। उसके साथ सेप्रा के लिए सिंध काबीना ने 197.916 मिलियन रुपीस की जो है वो भी बजट की। और आपने देखा होगा जितने भी काबीना के फैसले थे वो जो के इलेक्ट्रिक के जो मुल्क में क्राइसिस हैं उसमें से आवाम को निकालने के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क प्लांट और फिर जो है 120 मेगावाट का कराची के लिए सेंट्रल में प्लांट, फिर मलीर में जो है वो भी 600 एकड़ पे 150 मेगावाट सोलर प्लांट, और फिर मैंने कहा कि जो सेप्रा ऑप्शन हुकूमत बनाने जा रही है तो उससे मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो कि ऑलरेडी बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान में इस बिजली के बहरान के लिए, उसके लिए एक अहम संगे मील जो है वो साबित होगा। कल भी आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का एक अहम बयान पढ़ा होगा जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने सारी हुकूमतों को कहा है कि इस वक्त जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आवाम को उस क्राइसिस से निकाला जाए। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमतों को ये कहा है कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दें और कुछ इस तरह का सिलसिला किया जाए कि आवाम जो है उनको बिजली के नर्ख कम पड़े, पर यूनिट प्राइस में उनको जो है वो रियायत मिले। और ये सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, सदर साहब ने तमाम हुकूमतों को भी ये ताकीद किया कि हर हुकूमत अपना अपना रोल प्ले करे। और प्रेसिडेंट आसिफ अली साहब ये भी चाह रहे थे कि कल 14 अगस्त थी, हमारा जश्न आज़ादी था, कि उस पर ये ऐलान होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदर साहब की हिदायतें बहुत ही क्लियर हैं और वो चाहते हैं कि हर हाल में आवाम को रिलीफ दिया जाए। जैसा कि आपके इल्म में भी कि जितने भी अभी हो गए हैं स्टडीज़, मुआशी माहरीन और बिजली के माहरीन अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि थरपारकर का जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है बिजली पैदावार में, तो उसको उसी लिए हुकूमत की ये कोशिश है कि अब थर के कोयले से बिजली को पैदा किया जाए। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो कि नहायत ही अहम समझता हूँ कि रिसेंटली ही जो कुछ अहम गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं उस गिरफ्तारियों में एक रिटायर्ड जनरल को गिरफ्तार किया गया, और फिर आज ISPR की जानिब से एक ये खबर आई कि उस गिरफ्तारी के बाद मज़ीद 3 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। तो हम इसको वेलकम करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम डिसीजंस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और उन तमाम लोगों को के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है कि जो लोग चाहे वो 9 मई में इन्वॉल्व हों, चाहे वो लोग मुल्क में इदारों के ख़िलाफ़ साजिशों में इन्वॉल्व हुए हों, या वो लोग जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर और बानी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सिर्फ़ इक्तदार की लालच में, सिर्फ़ इक्तदार के हुसूल के लिए,
सिर्फ कुर्सी की लालच में, सिर्फ अपने ओहदों की लालच में उन्होंने ना ही पाकिस्तान की सालमियत को देखा, उन्होंने ना ही मुल्क की सिक्योरिटी को देखा, और अपने ही इदारों को, जो इदारे हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम हैं, जो कि हमारे मुल्क की सालमियत का सबसे बड़े में बड़ा सहारा हैं वो इदारे, उनको भी मलाइन करने के लिए हर हद से गुजर गए। ये जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे ये चीज़ साबित होती है कि इन सारी साजिशों के पीछे, चाहे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिशें हों, चाहे डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए मुल्क के नौजवानों को गुमराह करने की साजिशें हों, चाहे इंतशार फैलाने की साजिशें हों, उसमें पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी, लेकिन उसके साथ कुछ सहूलतकार भी थे। और जो सुनने में आ रहा है, जो हम तक इत्तलात पहुंच रही हैं, कि सानिया 9 में, जो कि इस मुल्क का एक बदतरीन दिन था, एक बदतरीन बाब था, जिसकी माजी में कभी भी मिसालें नहीं मिलती, शायद इन गिरफ्तारियों का के ताने बाने सानिया 9 में तक भी जा रहे हों, शायद कोई एक ट्राइका, एक ग्रुप मिलके चाह रहा था कि अदम इस्तेकाम पैदा करें, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें जिससे प्रेशर डेवलप हो। प्रेशर डेवलप क्या हो, कि उस प्रेशर में लाकर, उस प्रेशर में लाके इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उनको रोका जाए, उस प्रेशर में लाके इमरान खान को इक्तदार में बिठाया जाए, उस प्रेशर में लाके बानी पीटीआई को, जिस तरह पहले 2018 में साजिश के तहत धांधली के जरिए आरटीएस बिठाते हुए जिस तरीके से उसको इक्तदार की कुर्सी पे ज़बरदस्ती बिठाया गया था, एक पूरा प्लान था, उसी को दोहराने के लिए, और हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट ज़ाहिर हैं, जो लोग, हर एक का अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट था, किसी को क्या ओहदा मिलना था, किसी के लिए क्या लवाजमात बन रहे थे, तो उस पूरी साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया, जिसका मकसद ये था कि अवाम के सामने, अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए। और उसमें जाहिर है पीटीआई का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, लेकिन उसके साथ जो सहूलतकार थे, सुनने में यह है जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, शायद ये सहूलतकार भी उसमें, उस साजिश में बराबर के शरीक हों। लेकिन इसमें एक और भी सहूलतकार, जो मुझे, जो मेरी इत्तलात हैं वो ये आ रही है कि एक और भी सहूलतकार है, और वो सहूलतकार पीटीआई को अदालतों में रिलीफ दिलाने के लिए अपना किरदार, अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा था, और शायद आज दिन तक कर रहा है। वो सहूलतकार एक बदनाम ज़माना शख्स था। वो सहूलतकार जब खुद एक बहुत बड़े आईनी ओहदे पे मौजूद था, तब उसने इस मुल्क में आईन और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाईं, वो पाकिस्तान के किसी भी शख्स से ढकी छुपी नहीं है। उस सहूलतकार ने जिस तरीके से अपनी, जो भी पीटीआई की मुखालिफ पार्टियां थीं, उनके लीडरान के खिलाफ जो अपनी कुर्सियों पर बैठकर रिमार्क्स के ज़रिए जो किरदार कुशियां की, जिस तरीके से उनको जेल में भेजा, जिस तरीके से मलाइन किए गए उनके केसेस को, जिस तरीके से उनको ये प्रेशर किया गया कि वो जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ें, वो सारे काम उस बदनाम ज़माना शख्स के थे, जिसने पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को भी अरेस्ट करवाया, जिसने हमारी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को भी अरेस्ट करवाया, जिसके कहने पे पीपुल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद शाह साहब को भी अरेस्ट किया गया, आगा सराज दुरानी साहब को भी अरेस्ट किया गया। उसने पूरा एक टेरर का माहौल पैदा किया था, एक दहशत का माहौल पैदा करके उसने मनमाने जजमेंट्स लिए,
बहुत सारे लोग पाकिस्तान में उस साकिब निसार के जो उसका विंडिक्टेड था उसके उसका शिकार रहे हैं, वो साकिब निसार के इंतशार का शिकार रहे हैं, और आज दिन तक वो शख्स पीटीआई के बानी के पुष्ट पनाही पर खड़ा हुआ है। आज दिन तक मुख्तलिफ जगहों में सुनने में ये आया है कि वो मैनेजमेंट्स कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तारीख जो होती है वो बड़ी बेरहम होती है, और अल्लाह ताला की लाठी जो है वो ज़रूर उन लोगों तक पहुँचती है जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग लोगों की इज्जत नफ्स के साथ खेलते हैं, जो लोग लोगों को अपने घिनौने आइडियाज़ में कामयाब करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आज खुदा की लाठी बे आवाज़ है, और आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। हम समझते हैं कि कोई भी हो उसके खिलाफ बिला खौफ इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। जिस जिसने भी 9 मई के अंधोनाक वाक़यात में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो वहाँ सरजमीन पे मौजूद होकर दहशतगर्दी कर रहा है या लोगों को कॉल कर रहा है कि जी GHQ पहुँचो, फलानी जगह पहुँचो, जिना हाउस पहुँचो, बसें जलाओ, गाड़ियाँ जलाओ, रेडियो पाकिस्तान जलाओ, एम्बुलेंस जलाओ, बसें जलाओ, जो भी चीज़ें करवा रहे थे, या वो लोग या उनके पीछे जो उनको पैट्रनाइज कर रहे थे, जो लोग लोगों को ये आइडिया दे रहे थे कि GHQ चलो, और जो लीडरान फिर रोडों पे खड़े होकर कह रहे थे कि हाँ हमारी मंजिल अब GHQ है, या वो लोग जो मासूम लोगों की एम्बुलेंसों को आग लगा रहे थे, वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे सहूलतकार थे। और मैं समझता हूँ कि आहिस्ते आहिस्ते उन सहूलतकारों के मुंह से पर्दा उठ रहा है कि अपने जाती लालच में, अपने जाती मकासद के लिए आप अपने ही मुल्क के अपने ही इदारों को, अपने ही मुल्क के अपनी सियासी पार्टियों को, अपने ही मुल्क के अपने ही लोगों को आप नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होते हो। चाहे वक्ती तौर पर आपको कोई कामयाबी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ें चलती नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ हम उसको वेलकम करते हैं कि जिस तरीके से सारे लोग आहिस्ते आहिस्ते एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ मज़ीद एक्सपोज होने हैं, ये सब के लिए एक क्लियर पैगाम है कि पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जमहूरियत अजीम है, पार्लियामेंट अजीम है, हमारे मुल्क के तमाम इदारे बहुत अजीम हैं, हम सब ने मिलकर उनका दफा करना है। और अगर कोई भी शख्स चाहे वो किसी इदारे का रिटायर्ड ऑफिसर हो या कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या कोई शख्स जो कि साजिशी मशहूर है, जो कि सोशल मीडिया पे बैठकर भी साजिशें कर रहा है और मुल्क में बैठकर भी इंतशार फैला रहा है, कोई भी शख्स मौजूद हो, उन सब को आईन और कानून के ज़रिए उनको कटहरे में लेके आया जाए, उनके खिलाफ आईन की हदूद में रह के कार्रवाइयाँ की जाएँ, कानून के हदूद में रह के कार्रवाइयाँ की जाएँ। मैं समझता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा मैसेज है, और ये आइंदा के लिए भी सबक होना चाहिए कि आपके कितने भी इख्तलाफात क्यों ना हो, मैंने पहले 10 बार कह चुका हूँ कि माजी में ज्यादतियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ तारीख की बदतरीन ज्यादतियाँ हुई हैं। फांसी के फंदों पे चढ़ाया गया, बमों के धमाके किए गए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, गोलियां बरसाई गई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, कोड़े मारे गए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर। माजी में पीपल्स पार्टी के लीडरान ने 12 साल बगैर किसी जो है वो जुर्म साबित होने के अंडर ट्रायल उन्होंने जेलों में गुजारी, लेकिन कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, औहदों की लालच में कभी मुल्क के खिलाफ साजिशें नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 2 हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें, आइनी हुकूमतें गैर आइनी तौर पर गिराई गईं,
कभी भी मोहतरमा ने ये नहीं कहा कि किसी इदारे के ऊपर हमला करो, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट या किसी भी इदारे के ऊपर आप हमला करो, कभी जिंदगी में नहीं कहा। और यहाँ पे लोग सिर्फ इक्तदार की लालच में आके, और उनके ओपन एंड शट केसेस हैं, माजरत के साथ जो लोग कहते हैं कि जी इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये सबके सामने क्रिस्टल क्लियर है जिस तरीके से जमान पाक से पेट्रोल बम के हमले किए गए हमारे पुलिस के नौजवानों पर, सबके सामने है। क्या ये दहशतगर्दी के जमरे में आता है कि नहीं आता? पाकिस्तान के कानून में कहा जाता है कि कोई भी गैर मुल्की फंडिंग सियासत में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट्स में ये चीज़ जाहिर होती है कि इसराइल और भारत पीटीआई की लीडरशिप को और पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था ताकि वो पाकिस्तान में इलेक्शन करे और अपनी सियासी जो है कार्रवाइयाँ तेज़ करता रहे। भारत और इसराइल क्यों उनको सपोर्ट कर रहा था? तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क में जमहूरी पार्टियों के खिलाफ, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बुलडोज करने के खिलाफ एक घिनावनी साजिश थी, जिसको मैं समझता हूँ कि आज या कल इसको सामने आना था। और मैं समझता हूँ कि इसके मजीद भी अगर गिरफ्तारियाँ कोई आई, मजीद भी कोई सहूलतकार जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व पाए गए या 9 मई के उन दहशतगर्दों को रिलीफ दिलवाने में पाए गए, उन सबको आइन और कानून के तहत पाकिस्तान के कानून का सामना करना चाहिए। ये थी जी कामरान साहब। आप ये बताएं कि आप बार-बार कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हैं अहम हैं और भी इससे लिंक्ड लोग हैं या सहूलतकार हैं वो भी इसमें शामिल थे, तो और आपने साबिक चीफ जस्टिस का जिक्र किया साकिब निसार का, तो क्या आप ये डिमांड करेंगे कि अगर साकिब निसार की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें भी कानून के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई और उन्हें उनकी गिरफ्तारी अमल में रखी जाए? मैं तो एक वादा चीज करता हूँ, कोई भी शख्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी शख्स, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। अगर 9 मई के सानिये में मुल्क में इदारों के खिलाफ साजिश में कोई भी शख्स अगर इन्वॉल्व पाया जाता है, अगर वो मैं खुद भी हूं, तो मुझे भी उसी कटहरे में उसी कानून का सामना करना पड़ेगा, चाहिए या नहीं चाहिए, च्वाइस तो देनी नहीं चाहिए। थोड़ी कोई शख्स जो वो होली काओ है, कोई ऐसा शख्स जो कि अपने इदारों के खिलाफ साजिश करे, उनके अपने क्या एजेंडाज थे? और अगर मैंने साकिब निसार की बात की, मैंने कहा कि मुझ तक इत्तलात आ रही हैं, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद देखा है, मुझ तक इत्तलात आ रही हैं, मैं भी इत्तलात का वजीर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी इत्तलात जितनी आप साफियों की भी आती है, मुझे भी कहीं ना कहीं से तो आती होंगी, तो मुझ तक इत्तलात आ रही हैं कि शायद उस शख्स ने भी कहीं ना कहीं पर उसकी पैटर्नाइजेशन शामिल थी, या वो खुद शख्स जो है वो इस तरह के किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व है, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर वो ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता या हमने देखा है कि उसने बहुत बड़े जुल्म किए तारीख में, उसने कानून को और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसने अपना अलग जंगल का कानून बनाया हुआ था एज ए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कि यहाँ पे कोई शख्स वो पीटीआई का एक एमपीए सड़क पे चले हुए किसी बंदे को थप्पड़े मार रहा है, मुक्के मार रहा है, घूसे मार रहा है, उसको बोलता तू 5 लाख में डैम फंड में दे दे और तू जो है आज़ाद। मुझे बता पाकिस्तान के कौन से आइन कानून में ये लिखा हुआ है? मुझे एक आइन कानून की किताब सारे साफी लेके आए कि जी हाँ ये आइन कहता है किसी को थप्पड़ मारो 5 लाख रुपए का केस होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के में जो है वो केस चल रहा है। तो उस शख्स ने जंगल का कानून, उसने अपना कानून बनाया हुआ था, उस शख्स ने जो उसका काम था वो किया नहीं, बाकी डैम फंड के नाम पर जो है उसने वो तारीखी जो उसने हरकतें की हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी शख्स अगर वो इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं मुतालबा कर रहा हूँ कि उसको कल गिरफ्तार करो या परसों गिरफ्तार करो, अगर वो शख्स इन्वॉल्व है, अगर उसके ताने बाने मिलते हैं, अगर वो इन तरह की साजिशों में इन्वॉल्व रहा है, तो कोई भी शख्स हो इस मुल्क का, उसको गिरफ्तार होना चाहिए जिसने 9 मई जैसे अंदूना वाक्य किया। और अगर देखें, और किसी को एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती कि एक शख्स अगर थोड़ा पावरफुल है तो उसको छोड़ दो, एक शख्स जो है वो पावरफुल नहीं है तो उसको रगड़ दो, नहीं। आपने कानून की बालादस्ती, तो हमेशा हम पीपल्स पार्टी बात करते हैं, कानून की बालादस्ती हुआ है कि जो शख्स इन्वॉल्व हुआ है और अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसके खिलाफ शवाहिद हैं, अगर उसके खिलाफ एविडेंस आते हैं, अगर उसके खिलाफ लोग जो है वो गवाही देते हैं, तो देन ही शुड बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान। हम जितने भी कहीं पे जहाँ पे रेलवे लाइन की ज़रूरत पड़ी है रेलवे लाइन दे रहे हैं, जहाँ पे ज़मीनों की ज़रूरत पड़ी है ज़मीनें दे रहे हैं। सिंध हुकूमत की कोशिश है, और अभी भी मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में सिंध हुकूमत वाहिद है जिसने इस मुल्क में एनर्जी क्राइसिस का सोल्यूशन
ना सिर्फ ढूंढा है लेकिन उसको अमल करके दिखा दिया है। जी साहब, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे ही काबिना इजलास से उठ के आए तो आपने का सौलतकारों का जिक्र किया, हम ये जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि क्या सिंध काबिना में जो ये गिरफ्तारियां हुई है इनके सौलतकारों के बारे में कोई जिक्र हुआ, क्या सिंध काबिना ने इनकी मजम्मत की, ऐसे लोगों की सिंध काबिना का क्या मौकफ था? देखिए, 9 मई पे तो सिंध असेंबली रेजोल्यूशन पास कर चुकी है उसको कंडेम करने के लिए, और दुनिया का हर शख्स देखे बात सुने, लोग हमारे पास पता क्या है कि हमारे पास सॉफ्ट कॉर्नर बहुत जल्दी आ जाता है, और लोग कहते भी हैं कि यार बेचारे के साथ जाती हो रही, बेचारे के साथ। कैपिटल हिल्स का वाक्य सुना था ना अपने अमेरिका में, कैपिटल हिल के वाक्य में लोगों को 15-15 साल कैदे हुई हैं, अभी जो बर्तानिया में वाक्यात हुए 3-4 दिन में अदालत लगा के सजाएं दी गई हैं। तो आपने ये नहीं हो सकता कि अगर मैं पॉपुलर हूँ, आपका बहुत अच्छी कीमती सवाल है, ये नहीं हो सकता अगर मैं पॉपुलर हूँ तो मुझे हर खून, मुझे 100 खून माफ है क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। मैं पॉपुलर हूँ तो मैं, मेरी मर्जी है कि मैं बोलूँ कि जी आज मैं पार्लियामेंट पे हमला करूँगा, मैं पॉपुलर हूँ मैं बोलूँगा जी मैं रेडियो पाकिस्तान पे हमला करूँगा, मैं पॉपुलर हूँ मैं कहूँगा कि मैं पुलिस वालों को सर फोड़ूंगा, मैं पॉपुलर हूँ इसका मतलब है कि मैं पुलिस वालों पे पेट्रोल बमों से हमले करूँगा, जिसको वो मानते भी हैं, ये भी नहीं डिनाई करते हैं। और जमान पार्क में पीटीआई के लीडर के घर के अंदर से पेट्रोल बम जो फेंके गए पुलिस पर, खुदा न खासा शहादतें हो सकती थी। अगर मैं पॉपुलर हूँ तो मैं आईन भी तोड़ूंगा, मैं पॉपुलर हूँ तो मैं कानून भी तोड़ूंगा, अगर मैं पॉपुलर हूँ तो मैं बसों को भी आग लगाऊं, एम्बुलेंसों को भी आग लगाऊं, लोगों को धमकियां भी दूं, इदारों के खिलाफ साजिशें भी करूं, मैं पॉपुलर हूँ मैं इसराइल से फंडिंग भी लूं, मैं पॉपुलर हूँ मैं भारत से फंडिंग भी लूं, मैं पॉपुलर हूँ मैं पाकिस्तान के सारे आइन कानून की धज्जियां उड़ा दूं, मैं पॉपुलर हूँ तो मेरे खिलाफ केपीके बीआरटी में मुझे स्टे भी मिल जाएगा, मैं पॉपुलर हूँ तो मैं मुझ पर घड़ी चोरी के इल्जाम भी मुझे माफ़ कर दिए जाए, मैं पॉपुलर हूँ तो मुझे जो है मेरे जो है मलम जब्बा के केसेस मुझ पर माफ़ कर दिए जाएं, अगर मैं पॉपुलर हूँ मुल्क में तो मैं सारे अपने गुनाह सारे धो दूँ, मैं चाहे पंजाब की हुकूमत जिस तरह चला रहा था, जिस तरीके से खातून जो है वो फ्रंट लेडी बन के अरबों रुपए यहाँ से लेकर चली गई क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ, उसको कुछ नहीं, वो बेचारी थी, वो बाद में इंटरव्यू के बेचारे, फिर मैं पॉपुलर हूँ मैं फिर खुद कहता हूँ कि मेरे पास अक्सरियत नहीं थी, मैं किसी साहब की हिमायत लेता था कि जी मुझे असम्बली से बिल पास करवा के दे, मुझे चीज़ें कर दे, सारी चीज़ें गैर आईनी है। अगर ये नहीं है कि मैं पॉपुलर हूँ तो मुझे सारे खून माफ, तो पॉपुलर तो एक और मुल्क में भी था, तो उस पार्टी के लोग कैपिटल हिल में किस तरह 15 साल की सजाएं खा गए। तो पॉपुलर होने का मकसद ये नहीं है कि आप आइन और कानून से बलात्कार हो, अगर मुझे आवाम की सबसे बड़ी सपोर्ट भी मौजूद है, मैंने कहा कि मेरे हल्के में पहले भी कह चुका हूँ, मेरे हल्के में आज मैं चैलेंज करता हूँ पीटीआई की लीडरशिप, कोई भी पाकिस्तान में बंदा आके मुझसे इलेक्शन लड़के दिखा दे क्यों वहाँ मैं पॉपुलर हूँ, तो उसका मतलब पॉपुलर नहीं, तो मैं वहाँ पे जंगल का कानून इस्तेमाल कर लूँ, मैं लोगों के घरों को आग लगाना शुरू कर दूँ क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि यार वो पॉपुलर उसे जाती हो रही है, नो, अगर जाती ये याद होगा तो कानून मुल्क में है ही नहीं, फिर मेरे मुझे कल को कोई गिरफ्तार करना है तो मैं उस पर गोलियां चलाऊं, मैं उस पर बम फेंकूं, मैं उस पर पेट्रोल बम फेंकूं, मुझ पर जायज है क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ, ये चीज़ें नहीं हो सकती। देखिए जी, मैं एक बयान दे रहा हूँ आपको और ये बिल्कुल रिलेवेंट बयान दे रहा हूँ कि जी ये जो वाक्यात हुए हैं और जो जिस तरह की मुझ पर खबरें आ रही हैं तो मैं उसको उन खबरों के हवाले से बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें मेरे हिसाब से इसलिए खुशाइन है। अगर 9 मई में इनके ताने बाने मिलते हैं, मैंने अपने हर बयान में अगर का जिक्र ज़रूर किया है कि अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं तो, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट है तो ज़रूर कानून के दायरे में रहना चाहिए। देखें, खबरें तो कई छुपती नहीं हैं, कोई चीज़ें अब ये तो किसी के पास सबूत नहीं है कि साकिब निसार ने जो है वो पीटीआई की सपोर्ट की, लेकिन आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में उन्हीं दिनों में लोगों के घर मुसमार किए गए, पीटीआई के लीडर के घर का रेगुलराइज करा दिया और इतना सख्त हो रहा कि 24 घंटे के अंदर इमरान खान उसके पैसे जमा करा और उसका घर रेगुलर हो गया। इस तरीके से जितने भी उसको फैसिलिटी दी गई, पीटीआई के लीडर के बारे में पाकिस्तान के बच्चे बच्चों को पता है, उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया जिस शख्स ने, तो सबूत तो आपके पास किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन आप जब सियासत करते तो आपको अंदाजा आ रहा है। तो मैंने किसी कहा कि अगर ये साकिब निसार इन्वॉल्व है या जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर ये लोग 9 मई में इन्वॉल्व हैं जो हमें खबरें आ रही हैं, तो डेफिनेटली कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आप इत्तेलात के वजीर हैं, उन मिनिस्टर साहब का नाम बताना पसंद फरमा।
मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ, मुझे उनका नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बता दो, या जमील साहब ने कहा है तो मखदूम जमील साहब खुद बताएं किसके बारे में कह रहे हैं, नाम लेके बताएं, अच्छी बात है, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर करें हमारे साथ। लाशारी साहब देखें जी, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है सिंध में। मैं अभी दो दिन पहले ही बताया था कि सिंध में कितने डाकू गिरफ्तार किए गए हैं, कितने डाकू मारे गए हैं, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। तो सिंध हुकूमत अपना काम जो करना चाहिए वो बहुत ही बेहतर अंदाज से कर रही है। अकरम साहब इसके बाद आप देखिए जी, देखिए जी अभी भी पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली सिंध हुकूमत दे रही है, मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ना। और हालांकि अब वो मैंडेट वाली अगर बात आगे दिखी आपको मैंडेट, तो हम लोग उसको हाथ ही नहीं लगाते। अगर थर के कोयले को ये विजन था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जो कि बाद में जब मोहतरमा की हुकूमत गैर आइनी तौर पे ख़त्म की गई, जब बाद में हुकूमतें आईं उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। फिर जैसे ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जैसे ही प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा कि पहली फुर्सत में मुझे थर पार्कर से कोयला निकालना है, और उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर सैयद कायम अली शाह साहब को ये हिदायत दी कि फौरी तौर पर थर कोल पे काम करें। हमारा ज़ाती तौर पे सिंध गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलना था, लेकिन पाकिस्तान को बेनिफिट मिला है, तो उसका मतलब कि हमें भी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान की सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सोच रखते हैं, हम सिर्फ किसी सूबे की या इलाके की सोच नहीं रखते। तो जो थर का कोयला निकाला गया उससे आज पूरे पाकिस्तान को सस्ते में सस्ता कोयला हम दे रहे हैं। इसी तरीके से जो नूरियाबाद पावर प्लांट है, जो कि उससे भी सस्ता है, अब नूरियाबाद पावर प्लांट जो है उसकी जो 100 मेगावाट बिजली निकल रही है, जिसमें हमने ट्रांसमिशन लाइन भी सिंध हुकूमत ने बिछाई है, वो बिजली हम के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक वो बिजली कराची के शहरियों को दे रही है। तो हमारा काम और मकसद यही था, जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर सिर्फ नारे लगाने से, साजिशें करने से लीडर नहीं बनते, लीडर होते हैं जिनके विजन होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खुश नसीब पार्टी है कि हमारे पहले कायद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका भी एक विजन था, उस विजन के जरिए पाकिस्तान आज एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान को आइन मिला, कोई भी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के ऊपर मैली नज़र नहीं रख सकता। हमें यह भी फ़ख्र है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक विजन था, जिन्होंने हमारे इस मुल्क को मिज़ाइल टेक्नोलॉजी दी, और मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान का दिफाई सलाहियत और मज़ीद मजबूत बनी, उसके बाद उनके बेशतर कारनामे। इसी तरीके से हमें फ़ख्र है कि मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, तो प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकालने के लिए विजन दिया, उन्होंने सीपैक का विजन दिया, और फिर बेशतर मनसूबे बीआईएसपी वगैरह मैं गिनवा सकता हूँ। फिर हमारा एक और खुशकिस्मती है कि जैसे ही चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, तब उन्होंने और कुदरती उन दिनों में जब सैलाब आए हुए थे, तो उन्होंने इस आवाज़ को, सैलाब जदगान की आवाज़ को इंटरनेशनली ग्लोबली हर प्लेटफॉर्म पर उठाया, क्लाइमेट रेजिलेंस की बात की, क्लाइमेट जस्टिस की बात की, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला, और उनकी कोशिशों से आज चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोशिशों से आज दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है, और वो प्रोजेक्ट जिससे 21 लाख खानदानों को मुफ्त घर फराहम करके दिए जा रहे हैं, ये विजन भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है। तो ये है लीडरान, ये है उनकी सोच, जो मुल्क के लिए, कौम के लिए हमेशा ऐसे मंसूबे लेके आते हैं कि जिससे मुल्क क्राइसिस से निकले। हम ये नहीं कहते कि किसी और अगर पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया तो हम अपनी हुकूमत में आकर उसको ख़त्म करेंगे, हम तो कहते हैं और पार्टियाँ भी करें और गवर्नमेंट्स भी करें, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट आज साबित हो गया, जो लोग सिंध को ताने देते थे आज पूरे पाकिस्तान के मुंह पे ये बहुत चीज आया हो गई कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने ये विजन लिया, पीपुल्स पार्टी लीडरशिप ने ये विजन लिया, आज पाकिस्तान के सस्ते में सस्ती बिजली
थर्मकोल से निकल रही है, और अब मुआशी माहरीन और एनर्जी के माहरीन इस चीज पे मुत्तफिक हो गए हैं कि बाहर से जो कोयले की इंपोर्ट है उसको डिस्करेज किया जाए, पूरे पाकिस्तान के पावर प्लांट सिर्फ और सिर्फ थर पार्कर के कोयले से निकले, और वो कोयला जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और सिंध हुकूमत की मदद की वजह से निकाला जा रहा है। अभी 2500 मेगावाट से ज़्यादा ऊपर बिजली हम पैदा कर रहे हैं, और अगर यही हम अब मजीद उसको जो है माइनिंग की स्पीड को तेज़ करेंगे कि अब हम पूरे पाकिस्तान को कोयले की सप्लाई दे सकें, उससे पाकिस्तान 200 साल तक बिजली एक्सपोर्ट कर सकता है। फिर ये जो आज मुल्क के क्राइसिस है वो क्राइसिस ऐसे नहीं रहेंगे, फिर आज जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल वैसी नहीं रहेगी, फिर आज बिजली जितनी महंगी मिल रही है वो इतनी महंगी नहीं मिलेगी। वो सोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी आपकी अपनी हुकूमत सिंध हुकूमत जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी की और लीडरशिप की वजह से वो आपको ये सोल्यूशन दे रही है। तो हमें सबको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में वाकई अगर किसी ने फ्यूचर के लिए काम किया तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। या आप मैं बता दिया ना आपको, देखें जी मैं समझता हूँ कि लीडरशिप लेवल पे खुद ही ये बातचीत होगी और उनके लिए एक एहतराम है मखदूम साहब के लिए, ज़ाती तौर पर मेरा बहुत एहतराम का इश्तेहार है। मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात ना हो, लेकिन उनके जो ग्रीवेंसेज हैं वो गलत है। सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, सिंध का हर मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है, बशमूल उनका फर्जंद वो भी सिंध काबीना का हिस्सा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है, पूरी सिंध काबीना मेहनत के साथ काम कर रही है जी। देखिए जी जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े वाज़े तौर पर नेशनल असम्बली में कहा कि जी इनको पीटीआई को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो घिनौना जुर्म उन्होंने 9 मई का एक सानिया किया है। लेकिन कभी पीटीआई कहती है माफ़ी मांगेंगे, कभी बोलती है माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर कभी बोलते हैं मशरूत माफ़ी मांगेंगे, फिर बोलते हैं मशरूत माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर बोलते हमें एविडेंस दिए जाएँ, और एविडेंस तो उनके अपने लीडरान के बयानात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पे चल चुके हैं जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं। और अब जो मजीद चीज़ें रिवील हो रही हैं कि साजिश में कुछ और भी मुहरकात हैं जो इस्तेमाल हुए, जिन्होंने आइडिया दिया या जो कुछ सहूलतकार बने, तो मेरे ख्याल से चीज़ें जब अब मजीद वाजे हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से कि इमरान खान को अब तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम के सामने आके सबको बोलें। और दूसरी बात जो ये वो कभी कहते हैं कि जी मुझे न्यूट्रल होनी चाहिए, और कभी बोलते हैं कि न्यूट्रल से जो है मुझे न्यूट्रल का कोई ताल्लुक नहीं सियासत में, फिर बोलते हैं मुझे न्यूट्रल से मुज़ाकरात करने सियासतदानों से नहीं करने, तो वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। वो रोज़ उनको कोई ना कोई इलाम आता है, उसी इलाम पर वो काम करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।